आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार, आपका आभार, यूं ही बना रहे अपना प्यार। भारत में 2019 से प्रतिबंधित कनाडा के खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारत मूल के हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर जहर उगलने का काम किया है। संगठन ने भारतीय मूल के हिंदू कनाडा छोड़कर चले जाएं ऐसा ऐलान किया है। एसएफजे ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के हिंदू अपने भारतीय होने का जश्न मनाते हैं और उन्हें खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर जश्न मनाकर हिंसा को बढ़ावा दिया। एसएफजे के लीगल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहा है कि भारतीय मूल के हिंदुओं, तुम्हारा घर भारत है, कनाडा छोड़ो, भारत जाओ। तुम लोग न केवल भारत का समर्थन करते हो बल्कि तुमने खालिस्तान समर्थक सिखों के भाषण और अभिव्यक्ति के दमन का भी समर्थन किया है। पन्नू को भारत की सरकार ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। एसएफजे ने कहा है कि ट्रूडो सरकार ने भारत सरकार को जवाबदेह ठहराया है जिसे लेकर उसे बल मिला है। एसएफजे की धमकी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सवालों के घेरे में हैं कि जिन खालिस्तानियों का बचाव वो कर रहे थे वो अब उनके ही नागरिकों को धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं। अब जस्टिन ट्रूडो के लिए यह परीक्षा की घड़ी है कि उनकी उदारता खालिस्तानियों को लेकर ही है या फिर आम हिंदुओं को लेकर भी। भारतीय हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जताई जा रही चिंता पर कनाडा की हिंदू मंत्री ने भी शांति की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि दक्षिण एशियाई और भारत से आने वाले देशों के लोग धर्म की परवाह किए बिना इस बात को मानेंगे कि ट्रूडो ने जो कहा उससे उन्हें दुख पहुंचा है। इस समय हमें कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। आइए हम सभी शांत, एकजुट रहें और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें। कनाडा के प्रधानमंत्री ने दरअसल अपनी संसद में ये कह दिया कि भारत खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में संलिप्त है। इस आरोप के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल बिगड़ गए हैं। भारत ने कनाडा के दावों को बेतुका और मोटिवेटेड बताया। दोनों देशों में तनाव इस कदर बढ़ा कि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित तक कर दिया। अब मामला इससे आगे बढ़ चुका है और आतंकी संगठन एसएफजे अब खुलेआम हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।